अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम इंग्लिश के लफ्ज मर्ज का उर्दू मायने सीखेंगे। मर्ज का मतलब होता है मिलना या इकट्ठा होना। इस लफ्ज को समझने के लिए एक मिसाल पेश करते हैं। अगर दो कंपनीज अपने कारोबार को मिला लें ताकि एक बड़ी कंपनी बने, तो इस अमल को उर्दू में हम मर्ज कहते हैं। द टू स्मॉल स्कूल्स डिसाइडेड टू मर्ज इनटू वन लार्ज इंस्टीट्यूशन। दो छोटे स्कूल्स ने फैसला किया कि वो मिलकर एक बड़ा इदारा बनाएं। इस तरह मर्ज का उर्दू में मतलब मिलना या इकट्ठा होना है, जो कि अक्सर कंपनीज या इदारात के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। उम्मीद है दोस्तों अब आपको मर्ज का मतलब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।